दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस तरह के वीडियो बनाएंगे जिससे कोई भी सर्च करेगा ना तो आपका वीडियो सबसे नंबर वन पर आएगा, मतलब कि सबसे ऊपर आएगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से सर्च लिस्ट में आपका वीडियो सबसे नंबर वन पर आएगा और आपके वीडियो में व्यूज की तो झड़ी लग जाएगी, मतलब कि व्यूज की कमी ही नहीं होगी। कोई भी सर्च करेगा तो आपका वीडियो टॉप पर आएगा। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका वीडियो सबसे नंबर वन पर आए? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। मान लीजिए यहां पर मैं सर्च करता हूं शॉर्ट वीडियो की कैटेगरी क्या सिलेक्ट करें, ये मैं सर्च करूंगा तो ये देखिए मेरा वीडियो सबसे टॉप पर आ रहा है। तो इसी तरह आप भी कौन सी सेटिंग करेंगे जिससे आपका भी वीडियो टॉप पर आए? तो चलिए वो सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके यहां मोबाइल की स्क्रीन पर देखना है, सबसे पहले यहां पर मैं YouTube ओपन कर लेता हूं। यहां पर मैं वो वाला वीडियो सर्च कर लेता हूं जो वीडियो मेरा सबसे टॉप पर आता है। यहां पर मैं सर्च करता हूं शॉर्ट वीडियो की कैटेगरी क्या सिलेक्ट करें। यह सर्च करने के बाद यहां पर यह वीडियो आ गया है। तो इस पर मैंने ऐसा क्या किया है जिससे यह वीडियो सबसे टॉप पर आ रहा है? इस पर मैंने ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाया है जिस टॉपिक पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया था, मतलब कि सबसे पहला वीडियो मैंने ये वाला बनाया था शॉर्ट वीडियो की कैटेगरी, मेरे से पहले किसी ने नहीं बनाया था इसलिए मेरा टॉप पर वीडियो आ रहा है। तो यहीं पर सोचने की बात है कि जिस टॉपिक पर किसी ने भी वीडियो ना बनाया हो, अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे ना तो आपका वीडियो सबसे नंबर वन पर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कुकिंग का चैनल है और जितने लोगों का कुकिंग का चैनल होगा, मान लीजिए किसी ने भी पनीर की सब्जी के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बना रखा है, अगर आप पनीर की सब्जी के बारे में वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो टॉप पर आएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी पनीर की सब्जी के बारे में बहुत सारे वीडियो बने होंगे। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाना है जिस टॉपिक पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया होगा, तो आपका वीडियो सबसे नंबर वन पर आएगा। और इसी तरह चैनल के नाम पर भी होता है, अगर आप सबसे डिफरेंट नाम रखेंगे अपने चैनल का तो आपका चैनल सबसे ऊपर आएगा। जैसे मेरे चैनल का क्या नाम है, टेक्निकल रत्नाकर। तो टेक्निकल रत्नाकर के नाम से किसी ने भी चैनल नहीं बनाया है तो मेरा चैनल सबसे टॉप पर आएगा। जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं टेक्निकल रत्नाकर तो ये देखिए यहां पर मेरा चैनल सबसे टॉप पर आ रहा है। इसी तरह वीडियो में भी होता है, जिस टॉपिक पर किसी ने भी वीडियो ना बनाया हो उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो टॉप पर आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता टॉपिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। उस टॉपिक पर सिर्फ आप ही वीडियो बनाए हो वही वीडियो टॉप पर आएगा। अब ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए तो आप भी उसी तरह के वीडियो बना देंगे तो आपका वीडियो टॉप पर नहीं आएगा। उन लोगों का वीडियो आएगा जिनका मिलियन में व्यूज है, लाख में व्यूज है, उनका वीडियो सबसे ऊपर आएगा, आपका नहीं आएगा। अगर आप सबसे हट के वीडियो बनाएंगे, मतलब कि उस टॉपिक पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है, तो आपका वीडियो टॉप पर आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 5-6 व्यूज भी होंगे ना तब भी आपका वीडियो नंबर वन पर आएगा। और एक बात और, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें यह बताया है कि अगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे ना तो आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना पड़ेगा, वही डिस्क्रिप्शन आपको हर वीडियो में अप्लाई कर देना है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा और जो वीडियो दिख रहा है ना तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।